Hey, another brilliant day starts with you beautiful people. A big investment. इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलना बनता है। पंचा मैं आलो है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है जो छुपानी पड़ती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है जो बतानी पड़ती है, और ये उसमें से एक है। तुम लोगों ने देखा है कि आजकल मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, राइट? एंड आई एम नॉट द अलोन यूट्यूबर यो हु इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे हैं सो कॉल्ड डेड हो रहे हैं, राइट? डेड। आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, बहुत सारे जवान छोटे छोटे बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं। एंड आई नीड टू टेल यू दिस पंचा, गेली तेरी कुटे। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा बाय अ कलीग, अ फ्रेंड ऑफ माइन, धर्मेंद्र कुमार जी, माई स्मार्ट सपोर्ट, ये चैनल है उनका। उन्होंने बताया था कि उन्होंने फुल टाइम यूट्यूब छोड़ के अभी खेती करना चालू कर दिया। ही इज़ फार्मिंग बटन मशरूम्स। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, राइट? आई टू डिड समथिंग सिमिलर। और मैंने क्या किया, यूट्यूब से जो पैसे कमाए थे ना, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज यूट्यूब वॉज नॉट द राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टिंग द मनी। वाई डू आई से दैट? बिकॉज आफ्टर योर इंडियन कंज्यूमर केम यू आई सी व्लॉग्स, दिस चैनल, राइट? एंड आई हैव सीन यूट्यूब चैनल्स डाई मिजरेबली। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके चैनल्स अचानक से एंगेजमेंट खो देते हैं। अभी किसी एक के साथ होता तो समझ सकते थे, राइट? बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, चैनल पुराना हो जाने के बाद नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, वीडियोस दिखना ही बंद हो जाते हैं, कमेंट्स नहीं आते, एंगेजमेंट नहीं होती है। तो मैंने सोचा यूट्यूब वॉज नॉट द सेफेस्ट ऑप्शन, एंड आई एम अ ट्रेडर, राइट? और हर एक ट्रेडर को ये पता होता है कि यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मैंने जो यूट्यूब से पैसे आए थे, आई इन्वेस्टेड देम इन स्टॉक्स। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है, ये मुझे आपको ऐसे नए से बताने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल नो दैट, राइट? बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सीरियसली लेते नहीं हैं और इन्वेस्ट करते नहीं हैं। मैंने किया क्योंकि आफ्टर यूट्यूब, आफ्टर मार्केटिंग, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट आई न्यू वॉज ट्रेडिंग, वॉज स्टॉक्स। मेरे पास बस पैसे नहीं थे कि एज एन ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ही पैसे बनाते हैं, बाकी जो ऑप्शन बाय करते हैं वो तो आके डोनेट कर रहे हैं पैसे, पीपल नो दिस। तो एज अ ऑप्शन ट्रेडर सेलर, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, यू एटलीस्ट नीड टू हैव 10 लाख रुपीज़ टू इन्वेस्ट, ताकि यू नो आप सेफ तरीके से सेलिंग कर पाओ। अगर नुकसान भी हो जाए तो रिकवर करने के लिए थोड़े पैसे होने चाहिए आपके पास। तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी अ ऑप्शन ट्रेडर या और डू ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज दैट इज़ एक्सट्रीमली रिस्की। वॉट आई एम टेलिंग यू टू डू इज़, अभी के अभी अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया ना, यू आइदर नीड टू ओन अ बिजनेस और यू नीड टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। तो इंस्टेड ऑफ ओनिंग अ बिजनेस, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, यू कैन इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, राइट? जो कि बहुत सारे ज़िद्दी लोग बिजनेसेस खड़े करते हैं, आपको उनमें सिर्फ पैसा लगाना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो मेरी तरह तो दोनों करो, जैसे हमने किया। तो बस ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है वो स्टॉक मार्केट में करी है, वो यूट्यूब में मैंने वापस पैसे नहीं डाले, क्योंकि मैंने वो रिस्क पहले 2-3 बार ले चुका हूँ मैं। और अगर वहाँ पे मैं जो जनता कमा रहा हूँ, यहाँ पे ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो अगर यूट्यूब ही वो रीच रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मेरे लोगों तक मैं ही पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो मतलब नहीं बनता है। भाड़े प्रॉपर्टी कितने दिवस रहे थे, राइट? तो अपना एक खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करो, बहुत ही शिद्दत से उन कंपनीज़ को स्टडी करो जिनमें आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हो, और उनमें एक इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो को, ताकि वो पोर्टफोलियो आपको डिविडेंड दे पाए और आपके लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बन जाए और आपके फ्यूचर को सिक्योर कर दे। देखो, आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ आप साइड बाय साइड एक खुद का ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो कि आपका फ्यूचर सिक्योर करे, जिस तरीके से मैंने किया। अगर वो चीज़ आज नहीं होती, देशो धड़ीला लागला असता हा माणूस इथे, ठीक है? यूट्यूब वर भरोसा करून चालणार नाही। ऑलराइट, तो अगर आप आपकी स्टॉक मार्केट में जर्नी चालू करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ब्रोकर्स के लिंक्स दिए हैं। 3 ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं जिनमें खुद मैं अपना अकाउंट रखता हूँ और 3 सालों से करीब करीब प्रमोट भी कर रहा हूँ। ऑन दैट नोट, गो 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 चेस योर ड्रीम्स, मेक एवरी सेकंड काउंट, हैव एन ऑसम डे,
यू आई सी यू लेटर गाइज। एक चीज़ याद रखो, मेहनत इतनी करो ना कि सामने वाले को आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े।